हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हमें जो गेम में नया रैम्पेज मोड देखने को मिला है उसमें क्या क्या नया है, और इसमें जो दो तीन न्यू आइटम्स ऐड किए गए हैं ये एक्चुअली दो तीन मोड्स का मिक्सचर है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो मैं आज आपको आगे गेम में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो ये हमारा पहला अपडेट जो स्टोर में आपको 50% ऑफ देखने को मिल जाएगा गिफ्ट स्टोर में, और दूसरा अपडेट कि आप गेम खेलने के बाद आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो मैं आपको अभी गेम में दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं। जैसे ही आप अभी अपने इवेंट पेज पे जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर नहीं है तो आपको देखने को मिल जाएगा ये सारे रिवॉर्ड्स। तो मैं आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं 50% ऑफ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको डायमंड रॉयल वाउचर, वेपन रॉयल वाउचर्स और 3 गन की स्किन, 2 7 दिन के लिए, 1 3 दिन के लिए। इसमें से एक ही लेजेंडरी है, बाकी 2 नन लेजेंडरी गन है, स्कार लेजेंडरी है, बाकी M4A1 और AK जो है वो नन लेजेंडरी गन है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक्स के ऊपर। जो रैम्पेज मोड आया है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं गेम में आ चुका हूँ, और मेरे को यहाँ पे जितना भी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को एक नया चीज़ मिला, वो है जेट पैक शूज़। ये शूज़ के बारे में आप सब तो जानते ही होंगे, मैं यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखा दे रहा हूँ। ये हाँ, ये शूज़ आप पहले भी यूज कर चुके थे जो एक नया मोड आया था उसमें, और यहाँ पे देख सकते हैं एक एनिमी है जिसके हाथ में ग्लिटिन गन है, तो मैं अभी उसको मार करके आपको सब चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो ये गया एनिमी पट सेट शॉट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जो दूसरा गन है इसमें जो एक ये एक लॉन्चर है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हाथ में अभी एक ग्लिटिंग गन है जो मैं आपको यूज़ करके दिखाऊँगा इसका डैमेज कितना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मारा तो इसका 27-28 का डैमेज है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक मिनी ट्यूरेंट है, ये आपको ये सारी चीज़ें आपको रैम्पेज मोड में देखने को मिल जाएंगी। जैसे ही आप इसको प्लांट करोगे ये एक्टिवेट हो जाएगा, और इसके सामने अगर कोई एनिमी आएगा तो ये ऑटोमेटिक फायर करने लगेगा। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ गेम में कि कैसे ये वर्क करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2-2 मिनी ट्यूरेंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, और इनका डैमेज 60-60 का आ रहा है। तो इसने टोटल मेरे को 120 का डैमेज कर चुका है। मेरे पास एक भी मेडिकेट नहीं है तो मैं जा रहा हूँ मेडिकेट खोजने के लिए। तो यहाँ पे एक एनिमी आ चुका है तो मैं जाता हूँ दोनों का फ़ायदा उठाने। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्यूरेंट है इसका कुछ टाइम रहता है कि इतने समय के बाद ये ख़त्म हो जाता है, या फिर ये कुछ किल्स करने के बाद भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं जाता हूँ लूट लेता हूँ मेडिकेट। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे को पीछे से फायर करने लगा, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया मिनी ट्यूरेंट, और आप देख सकते हैं इसका डैमेज 48 का आ रहा है, काफ़ी सही डैमेज है, और मैं भी पीछे से डैमेज दे रहा हूँ और ये एनिमी ख़त्म। तो आप देख सकते हैं कि मिनी ट्यूरेंट कितना अच्छा गन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक देखने को मिल जाएगा लॉन्चर MGL-140। तो ये भी आपने पहले गेम में यूज़ किया होगा जो न्यू मोड्स आते थे एक्सप्लोजिव जंप उसमें। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।